गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एनआरसी जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने की आवाज सबसे पहले पश्चिम बंगाल से ही उठी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहीं से एक देश एक संविधान का नारा दिया था। इस मंच से गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर पार्टी का नारा दोहराते हुए कहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वहीं कश्मीर हमारा है। अमित शाह ने कहा कि हिंदू शरणार्थियों को बंगाल नहीं छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम एनआरसी ला रहे हैं, उसके बाद हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे, उन्हें चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। बीजेपी सरकार एनआरसी के पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाने वाली है। इस बिल के तहत भारत में जितने भी हिंदू सिख बौद्ध जैन ईसाई शरणार्थी आए हैं उन्हें हमेशा के लिए भारत की नागरिकता दी जाने वाली है। बंगाल के अंदर एनआरसी के मामले पर पूरी बंगाल की जनता को गुमराह किया जाता है। मैं आज इस मंच से भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट करने आया हूं, बंगाल की जनता को सच्चाई बताने आया हूं। ममता दी कह रही है कि एनआरसी आते ही लाखों लाखों हिंदू शरणार्थी है, उनको बंगाल पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ेगा। कोई भी हिंदू सिख जैन क्रिश्चियन शरणार्थी जो यहां आए हैं उसको भारत की सरकार भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करने वाली है, मजबूर नहीं। बंगाल की जनता ने 18 सीटें जिताकर एक परिवर्तन चाहिए, इसकी जो इच्छा व्यक्त करी है, अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज यहां चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का बंगाल से क्या लेन देन। अरे जो लोग बोलते हैं उनको मैं संदेश देना चाहता हूं, ममता दी आपने इतिहास नहीं पढ़ा है। आजादी के वक्त जब ये पूरा का पूरा बंगाल पाकिस्तान के अंदर जाने वाला था, अभी के बांग्लादेश में जाने वाला था, हमारे ही नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बंगाल के लिए आंदोलन किया था और बंग भंग कराकर पश्चिम बंगाल की रचना की थी।